हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखिए कुर्ती का फ्रंट नेक डिज़ाइन सीखेंगे। ये अभी नेक डिज़ाइन जो है बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, इसके बनाने के लिए हमने इस तरीके से कैनवास को लिया हुआ है और कैनवास को देखिए इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो देखिए, जिस साइड में हमारा बंद भाग है उस साइड से हमें यहाँ पर नेक की चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पर हम नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच और इसकी जो लंबाई हम लेंगे 4.5 इंच। यहाँ पर हम बोट नेक बना रहे हैं इसलिए इसकी लंबाई हम सिर्फ 4.5 इंच ले रहे हैं। रेडी होने के बाद हमारा ये 4 इंच पर आएगा। तो देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर 4.5 इंच पर रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4.5 का एक बॉक्स बना लेना है। तो आपको एक बॉक्स बना के दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप लेते हुए हमें राउंड नेक बनाना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें राउंड नेक बना लेना है। देखिए, यहाँ पर हमने राउंड नेक बना लिया। अब हम इसके चौड़ाई लेंगे। तो इधर देखिए, इस तरीके से 1/2 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पर हमें 1/2 इंच का गैप लेते हुए इसके साइड में मार्किंग करना है। तो देखिए, इस तरीके से 1/2 इंच का गैप लेंगे हम यहाँ पर और इसकी चौड़ाई लेंगे गले की। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच पर इस तरीके से रखते हुए हमारा जैसे नेक बना हुआ है सेम हम उसी पॉइंट पर रखते हुए 1/2 इंच का मार्किंग करेंगे। देखिए, इस तरीके से हमने पॉइंट लगा लिया है। अब इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए राउंड शेप बना लेना है। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हमने नेक का डिज़ाइन बना लिया है, राउंड नेक। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो चौड़ाई ली थी 3 इंच और इसकी जो लंबाई हमने लिया था 4.5 इंच लिया था। और देखिए, इसके जो बीच का जो गैप है हमने यहाँ पर 1/2 इंच लिया, तो इसलिए हम यहाँ पर 1/2 इंच लिया, तो यहाँ पर 0.5। अब देखिए, इसके बीच में जो डिज़ाइन बनने वाली है तो उसकी चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पर गले की 1 इंच। तो देखिए, जैसे हमने अभी 1/2 इंच का मार्किंग किया था सेम हमें वैसे ही रखते हुए यहाँ पर 1 इंच की मार्किंग करना है। तो आपको मार्किंग करके दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर भी हमने 1 इंच का पॉइंट लगा लिया है सभी जगह पे। अब इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए हमें राउंड शेप बना लेना है। ये देखिए, इस तरीके से इसका जो गैप हमने लिया हुआ है 1 इंच लिया हुआ है। अब हमें देखिए, सबसे हमारा जो सबसे लास्ट वाला नेक है उसकी ब्रेथ लेंगे हम यहाँ पर 1 इंच। यहाँ पर भी हम 1 इंच की चौड़ाई लेंगे और जैसे हमने इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने यहाँ पर नेक बनाया है वैसे हमें इसी पॉइंट को भी इस तरीके से 1 इंच पर मार्किंग करते हुए हमें यहाँ पर नेक बना लेना है। देखिए, इसकी भी गैप के जो मार्किंग किया था हमें यहाँ पर इस तरीके से सभी पॉइंट को मिला लेंगे। देखिए, अब यहाँ पर भी हम आपको लिख के दिखाते हैं, ये भी हमारा जो गैप है वो 1 इंच है। अब देखिए, यहाँ से हम अपने बड़े वाले नेक की जो चौड़ाई है हम उसको लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे 4.5 इंच आ रहा है, तो हम फैब्रिक पर 4.5 इंच पर ही इसका मार्किंग करेंगे बड़े वाले नेक की। तो अब देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हमारे सभी नेक बन चुके हैं। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बड़े वाले नेक की कटिंग करेंगे। देखिए, हमारा ये जो बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला नेक है हम उसको कटिंग कर लिए हैं। इस तरीके से हमारा इसकी चौड़ाई है। अब हम इन दोनों नेक की कटिंग करेंगे, तो आपको कट करके दिखाते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने तीनों नेक की कटिंग कर लिया हुआ है। तो देखिए, इसमें से हमारा 2 नेक का यूज़ होगा और एक हम इस ये जो हमारा सेंटर वाला है हम इसको साइड में रखेंगे और ये दोनों हमारा यहाँ पर यूज़ होने वाला है। बड़े वाले नेक को पेस्ट करने के लिए हम अब अस्तर लेंगे।
तो आप सबसे पहले हम अस्तर को इस तरीके से लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए हमें इसे सेंटर मार्क कर लेना है। तो आपको सेंटर मार्क करके दिखाते हैं। देखिए हमने सबसे बड़े वाले नेक की जो ब्रिथ थी हमने मार्किंग किया मेज़र किया था तो 4.5 इंच था। तो इस तरीके से हमें सेंटर से लेते हुए 4.5 इंच पर मार्किंग करना है और ऐसे ही दूसरे साइड में भी 4.5 इंच पर मार्किंग करना है सेंटर से। अब हम अपना बड़ा वाला नेक का कैनवास लेंगे और इस तरीके से रखते हुए हमें दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लेंगे। ऐसे ही दूसरे साइड में भी हमें इस तरीके से पॉइंट से मिलाएंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। ऐसे ही हमें सेंटर में भी देखिए इस तरीके से सेंटर को भी मिलाएंगे और यहाँ पर भी हम पिन से सिक्योर कर लेंगे और आयरन की मदद से हम इसे पेस्ट कर लेंगे। तो आपको पेस्ट करके दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हमें आयरन की मदद से इसको हमने इस तरीके से पेस्ट कर लिया हुआ है। अब हमारे देखिए कैनवास के साइड से जो भी फैब्रिक है हम बड़ा वाला उसको कट कर लेंगे छोटा फैब्रिक छोड़ते हुए। देखिए इस तरीके से साइड से भी हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं जिससे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे फैब्रिक को फोल्ड करना है कैनवास पर और इसके चारों ओर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब हम अपना कुर्ती लेंगे। देखिए इस तरीके से हम अपने फैब्रिक कुर्ती का फैब्रिक लिए हो और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। देखिए जहाँ पर हमारा शोल्डर है उस साइड से हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सेंटर मार्क करेंगे चौक की मदद से। देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से सेंटर मार्क कर लिया है। जैसे हमने बड़े वाले नेक की चौड़ाई ली थी सेम हमें कुर्ती पर भी हमें सेम मार्किंग करना है 4.5 इंच पर। देखिए सेंटर पर हमें 4.5 इंच पर मार्किंग करना है। ऐसे ही दूसरे साइड में भी हमें मार्किंग करना है। देखिए अब हमें अपना कैनवास के इस तरीके से जो रेडी किया था इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए हमें पिन से सिक्योर कर लेना है। तो आपको पिन से सिक्योर करके दिखाते हैं। इस साइड में भी हमें पिन से सिक्योर करना है पॉइंट्स को मिलाते हुए और एक सेंटर में भी हमें लगाना है। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा कैनवास के साइड से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम अंदर के साइड से थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए हमें यहाँ पर कट कर लेना है। अब हमने जो थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा हुआ है उस पर भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हम देखिए इस तरीके से कैनवास को पीछे के साइड में डालते हुए इस पर एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो आपको दाब सिलाई लगा के दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर नेक हमारा जो है बड़ा वाला वो रेडी हो चुका है। अब देखिए हम बीच का जो डिज़ाइन है उसको रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने कैनवास लिया हुआ है और हमने जो इसके डिज़ाइन बनाने के लिए स्ट्रिप कट कर लिया हुआ है 2 इंच का। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे डबल फोल्ड करना है और इस पर एक दाब की सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से लेना है और इसे साइड में हमें इस तरीके से सिलाई करनी है। तो आपको सिलाई करके रेडी करके दिखाते हैं। देखिए हमारा इस तरीके से हमने इसे सिलाई कर लिया हुआ है ये देखिए। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो देखिए सुई और धागे की मदद से इस तरीके से इसे सीधा करना है और इसके अंदर साइड में डालते हुए इस फैब्रिक को सीधा कर लेना है, स्ट्रिप रेडी कर लेनी है। तो आपको रेडी करके दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से सामने की साइड में खींचते हुए हमें इसे सीधा कर लेना है। तो आपको सीधा करके दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा स्ट्रिप
जो है वो रेडी हो चुका है, सीधा हो चुका है। अब देखिए इस तरीके से स्ट्रिप को इस तरीके से सेंटर से लेते हुए हमें इसे आयन करना है। तो आयन करके दिखाते हैं। देखिए आयन करने के बाद हमारा स्ट्रिप थोड़ा सा पतला सा हो गया है। देखिए इस तरीके से इसका लुक आ गया है और जो हमारा रेडी हुआ है स्ट्रिप वो आधा इंच का रेडी हुआ है। अब देखिए इस तरीके से हमें स्ट्रिप को इस तरीके से लेना है और हमें यहाँ पर ढाई इंच का स्ट्रिप कट कर लेना है। तो आपको ढाई इंच का स्ट्रिप सभी कट करके दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर मेज़र करना है और ढाई इंच पर इस तरीके से लेते हुए स्ट्रिप को कट कर लेना है। तो आपको कट करके दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हमने सभी स्ट्रिप को कट कर लिया है। अब देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम एक पेपर लेंगे। देखिए इस तरीके पे पेपर पर रखते हुए कैनवास को पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे हम। देखिए इस तरीके से हमने इस पिन से सिक्योर कर लिया हुआ है। अब हम मार्कर की मदद से हमें नेक के दोनों साइड में, देखिए इस तरीके कैनवास के दोनों साइड में हमें इस तरीके से मार्किंग करना है। ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी इस तरीके से मार्किंग करना है राउंड शेप में। अब देखिए हम कैनवास को इस तरीके से निकाल देंगे और इसको हम साइड में रखेंगे। अब देखिए हमने जो स्ट्रिप कट करके लिया हुआ था, अब देखिए इस दोनों डिज़ाइन के बीच में इस तरीके से रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो हम सबसे पहले यहाँ देखिए सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए राउंड के हम इस तरीके से सेंटर में लेंगे और यहाँ पर देखिए स्ट्रिप को इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमें पास में दूसरे स्ट्रिप को रखना है और सेम हमें सिलाई लगानी है। ऐसे हमें सभी स्ट्रिप को रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं। ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी स्ट्रिप को लगाना है। तो आपको दूसरे साइड में भी स्ट्रिप लगा के दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हमें दूसरे साइड में भी नेक में राउंड जो है हमारा उसमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ पर हमारा सिलाई करके हो गया है। अब हमारा जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रिप है हम उसको कट कर लेंगे। तो आपको कट करके दिखाते हैं। अब हमारा अंदर साइड का जो नेक है यहाँ पर भी हम कट कर लेंगे नेक को। देखिए यहाँ पर हमने कट कर लिया है। अब हमारा जो सबसे छोटा वाला नेक है हम उसको लेंगे और उसे रेडी करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें लेना है। इसे रेडी करने के लिए हमें देखिए हमारा कुर्ती का जो मेन फैब्रिक है हम उसको लेंगे और इस तरीके से रखते हुए हमें पेस्ट करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इस पर नेक को इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर पेस्ट कर लिया है और अब हम इसको साइड में रखेंगे और सबसे पहले हम छोटे वाले नेक को रेडी करेंगे। तो देखिए इसे रेडी करने के लिए हमने सेम फैब्रिक लिया हुआ है एक और। इस तरीके से रखते हुए हमें देखिए इस तरीके से रखते हुए हमें इसके सिलाई करनी है इसके नेक के चारों ओर। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हमने सिलाई कर लिया है। अब हम अंदर साइड से जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट कर लेंगे और हम अब अंदर साइड में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़े उसको छोटे छोटे कट कर लेंगे। अब हम देखिए कैनवास को इस तरीके से पीछे साइड में डालते हुए हमें इस पर एक दाब सिलाई लगानी है। तो आपको दाब सिलाई लगा के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने दाब सिलाई लगा ली है। अब हमारे कैनवास के चारों जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम उसको इस तरीके से कट कर लेंगे थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए। देखिए हमारा जो भी फैब्रिक हमने छोड़ा है उस तरीके से हमें आयन की मदद से इस तरीके से अंदर साइड में फोल्ड करते हुए हमें इस पर
अच्छे से बैठा लेना है इसको। तो आपको आयन करके दिखाते हैं, आयन से बैठा के दिखाते हैं इसको। तो देखिए आयन से बैठाने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। देखिए इस तरीके से हमने फैब्रिक को दोनों अंदर साइड में इस तरीके से डाला हुआ है। अब हम अपना जो भी स्ट्रिप हमने लिया था, रेडी किया था, उसको लेंगे। और देखिए जहां हमारा छोटा नेक है, इस तरीके से हम वहां पर इस तरीके से रखते हुए सेंटर में इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इसके अंदर दोनों फैब्रिक के सेंटर में इस तरीके से डालना है और अच्छे से हमें इस पर सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से हमारा छोटा वाला नेक हमने इस तरीके से लगा लिया है। अब हम अपना कुर्ती का बड़ा वाला नेक लेंगे। अब कुर्ती का फैब्रिक देखिए इस तरीके से हमें रखना है और जहाँ पर हमने मार्किंग किया हुआ है सेम उसी प्लेस पे रखते हुए हमें इस पे भी सिलाई लगानी है। तो आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है और इसके पीछे जो हमारा पेपर है हम उसको इस तरीके से रिमूव कर देंगे। तो आपको रिमूव करके दिखाते हैं। देखिए पेपर रिमूव करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। अब हम इस स्ट्रिप को इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने सुई धागा लिया हुआ है और हमने यहाँ पर मोती ली है वाइट कलर की। तो देखिए इस तरीके से स्ट्रिप के दोनों सेंटर को, दोनों पार्ट, दोनों साइड के कॉर्नर्स को इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से पकड़ते हुए हमें इसे स्टिच करनी है। और देखिए इस तरीके से हमें स्टिच करनी है और इसमें एक नॉट लगाना है। देखिए इस तरीके से हमें धागे से ही नॉट लगाना है इसमें, ये देखिए इस तरीके से। और एक बार और करेंगे इसमें, दो बार हम इस तरीके से नॉट लगाएंगे जिससे हमारा ये खुले ना। और देखिए इस तरीके से नॉट लगाने के बाद हमें एक मोती लेनी है और मोती सेंटर में डालते हुए इस तरीके से दूसरे वाले स्ट्रिप को इस तरीके से लेते हुए हमें इसमें सिलाई करनी है। तो आपको एक और रेडी करके दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हमें स्ट्रिप को पकड़ना है और हमें यहाँ पर एक नॉट लगा देना है इस तरीके से। अब हमें एक और मोती लेंगे, देखिए इस तरीके से सेंटर में इस तरीके से रखते हुए हमें देखिए दोनों पॉइंट को इस तरीके से लेंगे और इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है, देखिए इस तरीके से। अब दूसरे देखिए दूसरा नॉट लगाना है, सेम हमें सेम प्रोसेस करना है। तो आपको लगा के दिखाते हैं एक बार, आपको समझाते हैं। देखिए इस तरीके से पर्ल को लेना है, मोती को देखिए इस तरीके से मोती को लेना है और स्ट्रिप के दोनों कॉर्नर्स को इस तरीके से पकड़ते हुए हमें यहाँ पर देखिए इस तरीके से दोनों कॉर्नर्स को पकड़ना है और यहाँ पर हमें एक नॉट लगा देना है। देखिए इस तरीके से सिलाई करते हुए हमें यहाँ नॉट लगाना है। देखिए इस तरीके से हमें सभी स्ट्रिप में इसी तरीके से डिज़ाइन बना लेना है। तो आपको इसी तरीके से डिज़ाइन बना के दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर डिज़ाइन बना लिया है। तो देखिए ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। फ्रेंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।